हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उपसह संयोजक यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। टोटल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक के कुल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हम आज सॉल्यूशन करेंगे और उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए बिल्कुल आज इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी उपसह संयोजक यौगिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, K4 × FeCN6 एक उदाहरण है। तो ये उदाहरण है आयनिक संकुल का और ये 2015 में पूछा गया सवाल है। ये किसका उदाहरण है? आयनिक संकुल का। आज के इस वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट में ही हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी, ताकि आपको, क्योंकि समय कम बचा है ना, पढ़ना बहुत ज़्यादा है इसलिए, और कोई बात नहीं है। हरा थोथा का रासायनिक सूत्र, एक ट्रिक है स्टूडेंट, सहनी जी फेको 775, ठीक है, सहनी जी फेको 775, इससे जो है ना ये होगा, सहनी जी, ठीक है, फेको 775 FeSO4 × 7H2O इस तरह करके जो है इसका एक ट्रिक आता है। FeSO4 × 7H2O, ठीक है, ऐसे करके आएगा। तो हरा थोथा का जो आंसर होगा वो आएगा FeSO4 × 7H2O, 2015 में ये पूछा गया सवाल है। पोटेशियम फेरी साइनाइड है, तो ये एक जो है ना कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स नमक है, ठीक है, और ये केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक जो आज हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिस्ट्री के काफ़ी बड़े भाग को ये कवर करता है हमारा, ठीक है। बहुत अच्छे सवाल जो है, एक दो क्वेश्चन हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। H2PtCl6 का एक IUPAC नाम होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC का फुल फॉर्म है। तो इसका नाम होगा हाइड्रोजन हेक्सा क्लोरो पेंटीन 4, ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, नोट करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर अगर हम एंट्री करें, Na3CO × NO2 6 का IUPAC नाम जो होगा सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3, ठीक है, ये जो है बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है ये। अगला जो क्वेश्चन है कि मोहर लवण का सूत्र होगा, तो मोहर लवण का जो सूत्र होगा FeSO4 × NH4 × 2 × SO4 × 7H2O, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मोहर लवण का सूत्र जो है पिछले साल मैंने एक बार देखा था, एक मॉडल सेट में था, काफ़ी अच्छा था ये, ठीक है, प्रीवियस ईयर, अब वो शायद MP बोर्ड था या झारखंड बोर्ड था, इतना याद नहीं है, बट मोहर लवण के बारे में इसका डिस्कस हुआ एक बार, ठीक है। संकुल होते हैं, तो संकुल जो होंगे वो हमारे 3 प्रकार के होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, संकुल होते हैं तो संकुल जो होगा वो हमारा 3 प्रकार का होगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कि TCL अर्थात टेट्रा एथिल लैड का प्रमुख उपयोग है। तो कहेंगे TCL यानी टेट्रा एथिल लैड का प्रमुख उपयोग है प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में। जी हाँ स्टूडेंट, TCL टेट्रा एथिल लैड का प्रमुख उपयोग प्रतिध्वनि यौगिक के रूप में होता है। बहुत ही उम्दा सवाल है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पोटाश एलम का जलीय विलयन होता है। तो पोटाश एलम का जो जलीय विलयन होगा ना वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है, इसका जो स्वाद होगा जो वो अम्लीय होगा हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पोटाश एलम उदाहरण है, तो पोटाश एलम जो उदाहरण है वो द्विक लवण का उदाहरण है। बहुत अच्छा सवाल है, नोट करिएगा कॉपी में, कि पोटाश एलम जो है वो उदाहरण है हमारा किसका है, तो द्विक लवण का उदाहरण है। बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अगर डिस्कस करें कि उदासीन लिगैंड का उदाहरण है, तो उदासीन लिगैंड का जो उदाहरण है वो हमारा नाइट्रो समूह है। पूछा गया सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि उदासीन लिगैंड का उदाहरण है, तो कहेंगे नाइट्रो समूह, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अगर हम एंट्री करें कि किस यौगिक का केंद्रीय धातु का प्रसंस्करण DSP² है, तो कहेंगे NiCN Ni × CN4 to the power -2, ठीक है, ये जो होगा इसका आंसर होगा कि धातु का प्रसंस्करण जो होगा DSP² होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर अगर डिस्कस करें, Ni × CO4 में निकल की ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ऑक्सीकरण संख्या 2009 और 2012 में पूछा गया सवाल है। तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुके हैं, ड्रीम क्लासेस पे आप देख सकते हैं, वीडियोस मैंने काफ़ी सारा बना रखा है। तो वो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमारा 0 होगा, ओके।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर अगर डिस्कस करें, CO इंटू NH3 इंटू 6 इंटू Cl3 किस प्रकार का जटिल यौगिक है? तो ये उदासीन जटिल यौगिक है, 2017 में पूछा गया सवाल है जी स्टूडेंट, उदासीन जटिल यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर अगर डिस्कस करें कि जिगटर नाटा उत्प्रेरण की क्रिया प्रयुक्त होती है, ये VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, थोड़ा सा लिखावट गलत है, हाँ इसको हम पढ़ेंगे, जिगलर नाटा उत्प्रेरण की क्रिया प्रयुक्त होती है तो बहुलीकरण की क्रिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला हम आते हैं कि फेरोसिन का अनुसूत्र है C5H5 × 2Fe, ठीक है। फेरोसिन का जो है अनुसूत्र ये होगा, ये काफ़ी अच्छा सवाल है इसलिए मैंने इसको हाईलाइटेड कर दिया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ग्रीन यार अभिकर्मक है तो कहेंगे एक कार्बोधात्विक यौगिक है, ठीक है। ग्रीन यार अभिकर्मक जो है वो एक कार्बोधात्विक यौगिक है, ठीक है। ये उतना हाईलाइटेड क्वेश्चन नहीं है पर फिर भी आप इसको रट लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। जल को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो कहेंगे जल को शुद्ध करने के लिए हम पोटास एलम का प्रयोग करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, जल को शुद्ध करने के लिए प्रयुक्त होता है वो जो होता है वो हमारा पोटास एलम होता है। स्टूडेंट्स सवाल है कि दो सरल लवणों के संयोग से मिलकर बना लवण होता है तो हम कहेंगे दो सरल लवणों के संयोग से मिलकर जो बनेगा लवण वो हमारा जटिल लवण होगा, ठीक है। दो सरल लवणों के संयोग से मिलकर बना लवण कहलाता है जटिल लवण, ठीक है। दो सरल लवणों के संयोग से मिलकर बना लवण जटिल लवण कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर डिस्कस करें कि प्रशियन ब्लू को नागरिकता के कचड़े से बनाया था तो डिस बैंक ने, एक व्यक्ति थे डिस बैंक ने जिन्होंने प्रशियन ब्लू को जो है वो नागरिकता के नगरपालिका के कचड़े से बनाया था, नगरपालिका प्रशियन ब्लू एक व्यक्ति थे जिन्होंने नगरपालिका के कचड़े से जो डिस बैंक ने बनाया था, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमारा कहने का ये मतलब था कि डिस बैंक एक व्यक्ति थे जिन्होंने प्रशियन ब्लू को नगरपालिका के कचड़े से बनाया था, ठीक है। हिंदी थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। चलिए अगला सवाल, ये जो आपको दिया हुआ है K4 × Fe × Cn6 में Fe लोहे की प्रसंकरण क्या होगा तो ये होगा D²SP3 2011 और 2017 दो बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर अगर डिस्कस करें K3 × Cr × OX3 में Cr, ठीक है, क्रोमियम की उपसंयोजक संख्या 2017 में पूछा गया सवाल है, 6 होगा आंसर स्टूडेंट, नोट करिएगा बिल्कुल। एथिलीन डायएमीन है तो ये होगा वाई डेटेड लिगैंड, ठीक है, ये जो है ना वाई डेटेड लिगैंड होगा, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। 24 की ओर हम डिस्कस करें कि सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक कौन सा है तो सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था प्रशियन ब्लू है जी, ठीक है, सबसे पहला ज्ञात समन्वय यौगिक कौन सा है, प्रशियन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर अगर डिस्कस करें कि एक संकुल का निर्माण किसके संयोग से होता है तो धातु और लिगैंड द्वारा होता है, एक संकुल का जो निर्माण होता है वो किसके संयोग से होता है, धातु और लिगैंड के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर अगर हम डिस्कस करें कि ये K4 × Fe × Cn6 एक उदाहरण है तो ये जो उदाहरण है वो आयनिक संकुल का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर डिस्कस करें कि वह संक्रमण धातु जो जिगलर नाटा उत्प्रेरण के रूप में काम में लाया जाता है TI, जी हाँ स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जिगलर नाटा जो है ना ये आपको पूछेगा, इसको आप VVI कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछता है, जिगलर नाटा का रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल आपको पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की द्विदंती लिगैंड एक उदाहरण है तो द्विदंती लिगैंड जो उदाहरण है वो एथिलीन डाइएमीन का उदाहरण है, जी हाँ स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 29 की ओर अगर हम डिस्कस करें कि धन विद्युती लिगैंड एक उदाहरण है तो NH2+ − NH3- का उदाहरण है और NiCO4 का IUPAC ने इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नाम होगा टेट्रा कार्बोनी निकल जीरो। तो ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे देखिए आपको